हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित विद द ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल गाइस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्नाइपिंग के ऊपर कुछ रील्स, जो कि हमारे नूब टू प्रो वाली ट्रेनिंग सीरीज का एक और पार्ट है। और ये आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है, बिकॉज बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि स्नाइपिंग कैसे करनी है कैसे करनी है। तो बेसिकली गाइस, इसमें तीन चार चीज़ें मैटर करती है, इसके अलावा आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ फैंसी मूव करने की जरूरत नहीं है। स्नाइपिंग इज लाइक मतलब बहुत ईजी यार, एक बार आप प्रैक्टिस कर लो और उस चीज़ को समझ लो ना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप इजीली स्नाइपिंग कर पाओगे। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा। ओके गाइस, तो ड्रिल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे बोल्ट एक्शन नहीं उठानी है। हर कोई सोचता है कि यार अगर मैं ट्रेनिंग रूम में जाके स्नाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो वो बोल्ट एक्शन उठा लेंगे, यहाँ पे कोई कार 98 M24 या फिर AWM, और मतलब बोल्ट एक्शन तो आपको बिल्कुल नहीं उठानी है। यहाँ पे क्या उठानी है आपको, एक DMR, बिकॉज देखो हर बार आप एक शॉट मारोगे बोल्ट एक्शन रीलोड लगेगी, उसमें यार आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा। यार इतना ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, सीधी सी बात है। तो आपको उठानी है DMR, और किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, सामने जितने भी टारगेट्स दिख रहे हैं उन पर इस तरह से हेड पे मारने की कोशिश करनी है, ठीक है। जरूरी नहीं है इतना जल्दी मारने की कोशिश करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ, आप थोड़ा स्लो रखो, पर मेक श्योर कि आपका वो शॉट है ना वो हेड पे ही लगे, ठीक है। आप गलती मत करो, अभी जैसे मान लो मैं फास्ट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे शॉट ऊपर जा रहे हैं, थोड़े नीचे जा रहे हैं, सारे के सारे हेड पे नहीं लग रहे, आप अच्छे से देखो। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है पहली चीज़। तो आप चाहे थोड़ा स्लो प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा फिर धीरे धीरे आप फास्ट कर सकते हो, बट बेसिकली मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग रियल में जो लोग अच्छे से मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर स्नाइपिंग करना चाहते हैं उनको हेड पे मारना सीखना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे ही आएगा। मतलब एक बार में फास्ट आप करोगे तो नहीं होगा, एक्यूरेसी ख़राब होगी, तो वो चीज़ नहीं करनी है। मैं यहाँ पे फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं स्नाइपर नहीं हूँ अपनी टीम का, ये चीज़ आप लोग याद रख लेना, तो मेरी तरह तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे फास्ट की प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से आपको करना है। सो बेसिकली कोई भी आप एक टारगेट चूज़ कर लो, बार बार स्कोप इन करो, उस पर शूट करो, ठीक है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे करो ताकि आपका स्कोप पर्टिकुलरली एक बार में उस जगह पे खुल जाए, उसके बाद आप उस चीज़ को थोड़ा सा स्पीड में करो, ठीक है। जैसे मैं अभी पहले कर रहा था थोड़ी देर पहले, वो एक्चुअली एक शो ऑफ था, क्लासिक में आपको एम लगाना ही पड़ेगा। क्विक स्कोप भी आप मार सकते हो, बट वो थोड़ी इसी प्रैक्टिस करने के बाद आपसे यार हो जाएगा डेफिनेटली। सो बेसिकली ड्रिल नंबर 1 यही थी कि ये जितने भी टारगेट्स दिख रहे हैं ना, फटाफट से इन पे स्कोप इन करो, DMR ले लो अपने हाथ में और इन पे एक एक शॉट मारो, वापस स्कोप आउट करो, फिर एक शॉट मारो, फिर वापस स्कोप आउट करो। आपको पूरी DMR नहीं चलाने लग जानी है वहाँ पे, कहीं आप टैप 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 करने लग जाओ, वो चीज़ नहीं करनी है। आपको इसे एज अ बोल्ट एक्शन यूज़ करना है, एक शॉट मारो स्कोप आउट करो, एक शॉट मारो स्कोप आउट करो, ताकि आपका टाइम भी खराब नहीं हो और DMR की मदद से आपकी जो स्नाइपिंग की प्रैक्टिस है वो भी अच्छी हो जाए। तो अब चलते हैं ड्रिल नंबर 2 की तरफ। ड्रिल नंबर 2 में आपको बताता हूँ फ्लिक शॉट कैसे मारते हैं। अब देखो मैं तीन ड्रिल बताऊंगा आपको ओनली, तीन ड्रिल के अलावा कुछ भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो स्नाइपिंग करने में यार क्या चीज़ चाहिए होती है, सामने बंदे का हेड दिख रहा है, आपको स्कोप इन करना है उसके हेड पे और मारना है स्नाइपिंग में, और कुछ भी नहीं चाहिए होता, ठीक है। और स्नाइपिंग में कोई साइंस नहीं लगती, ऐसा कुछ नहीं है कि यार आप स्नाइपिंग में अपना दिमाग लगा रहे हो, IQ लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो तीन चार चीज़ें चाहिए होती है, तीन चार ड्रिल्स होती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है फ्लिक शॉट, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट राइट आपको 100 मीटर और 90 मीटर का टारगेट चूज़ कर लेना, हाथ में ले लेना है DMR और लेफ्ट राइट कर करके उनके हेड पे मारना है, ठीक है। यहाँ पे स्कोप आउट नहीं करना है। अब इससे फ्लिक शॉट में इसलिए हेल्प होगी क्योंकि जब आप ये चीज़ फास्ट फास्ट करने लग जाओगे ना, और मान लो आपने स्कोप गलत जगह खोला और आपके लेफ्ट में है बंदा, तो आप एकदम से फ्लिक करके उसके हेड पे दे पाओगे, ठीक है, उसके हेड पे शॉट मार पाओगे, तो वो चीज़ को बोलते हैं फ्लिक शॉट। तो इसकी प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे सामने दो टारगेट चूज़ कर लो, लेफ्ट राइट पहले तो आराम से स्लो काम डाउन होकर उनके हेड पे मारने की कोशिश करो, उसके बाद अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। जितना ज़्यादा आप स्पीड में करोगे ना ये चीज़, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और फ्लिक शॉट मारने में आपका जो टाइम लगता है वो बहुत ही कम हो जाएगा, यानी आपके जो रिफ्लेक्सेज है वो बहुत फास्ट हो जाएंगे अगर आप ज़्यादा स्पीड में फ्लिक शॉट मारोगे तो। तो इस तरह से आपको फ्लिक शॉट की प्रैक्टिस करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रिल नंबर 3। ड्रिल नंबर 3 में मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि किक स्कोप कैसे मारा जाता है। अब देखो किक स्कोप का एक सिंपल सा फंडा है,
जो लोगों को अभी तक शायद समझ में नहीं आया यार, देखो क्विक इसको मारने के लिए आपको जो क्रॉस हेयर है ना उस पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्विक स्कोप किया, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अभी आपको वैसे दिखने में और भी सिंपल लग रहा होगा, बट जब आप क्लासिक में यूज़ करोगे ना तो ये इतना सिंपल नहीं होता है। देखो इसमें क्या करना होता है, बेसिकली मैं आपको फंडा बता देता हूँ। फंडा बहुत सिंपल है, आपका जो क्रॉस हेयर है वो ऑलरेडी टारगेट पे बिल्कुल ऐसा चिपका हुआ होना चाहिए कि जैसे आप स्कोपिंग करो वो टारगेट पे जाके लगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फंडा, बट इसको प्रैक्टिस करने में जो फटती है ना भाई वो अलग लेवल है, ठीक है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी होती है, आपका जो क्रॉस हेयर है ना उसको बिल्कुल चिपका के रखना पड़ेगा, ठीक है। चिपका के मतलब जैसे अभी मैं कहीं पर भाग रहा हूँ, ठीक है, मेरा क्रॉस हेयर ऐसे चिपक के रहना चाहिए उस पर्टिकुलर टारगेट पे, ठीक है। अगर चिपक के रहेगा उसके बाद में जब स्कोपिंग करूँगा ना वो टारगेट पे ही खुलेगा, बट वो चीज़ जो आप चिपका के रख सकते हो वही आपको थोड़ी सी उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज जो अगर आप जायरोस्कोप यूज़र हो, जायरोस्कोप थर्ड पर्सन नो स्कोप यूज़ करते हो, तो सेंसिविटी जो है उसकी वो बिल्कुल लोग 300 पे रखते हैं, कुछ लोग 250 पे रखते हैं, तो वो चिपका के रखना बहुत मुश्किल होता है, वो हल्का हल्का सा शेक करता रहता है ज़्यादा सेंसी पे। तो अगर आप देखो एक स्नाइपिंग करते हो, स्नाइपर यूज़र हो, तो आपको थोड़ी सी सेंसी पे ध्यान देना होगा, उसको मे बी कम करना हो, मे बी आपको ज़्यादा करनी पड़े, तो वो एक चीज़ चेक कर लेना। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जायरोस्कोप की सेंसी है तो थर्ड पर्सन नो स्कोप, अगर ADS की है, सॉरी ADS इसमें काम नहीं आएगी, इसमें आएगी कैमरा की, कैमरा थर्ड पर्सन नो स्कोप, ठीक है। एक तो जायरोस्कोप थर्ड पर्सन नोस्कोप, एक कैमरा थर्ड पर्सन नोस्कोप, तो इसमें क्या होगा आपको सेंसी थोड़ा सा देख लेना है आपकी कितनी करनी है, कितनी ज़्यादा कितनी कम करनी है, उसके बाद आप क्विक स्कोप के लिए अपने क्रॉस हेयर को बिल्कुल चिपका के रख पाओगे इस तरह से। अब मेरे हाथ में भी DMR थी और मुझसे रुका नहीं गया, तो मैंने यहाँ पर टैप टैप कर दिया, तो मैं यही चीज़ आपको बता रहा था कि ये चीज़ मत करना, आराम से प्रैक्टिस करना। सो यहाँ पे देख लिया आपने क्विक स्कोप। अब देखो स्नाइपिंग के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रिल्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक मैंने वो ड्रिल्स आपको पहले बता दी, अगर आपने पुरानी ड्रिल्स फॉलो की है तो आप वो आराम से कर पाओगे। जैसे कि क्राउच कर रखा है कहीं पर आपने, तो क्राउच अप करके एकदम से आप क्विक स्कोप देना चाहो, अगर आपने पीक करके क्विक स्कोप देना चाहो तो वो चीज़ आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जो मेन ड्रिल्स थी मैंने यार वो बता दी आपको, ठीक है। इसके अलावा कोई और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है ड्रिल्स में, स्नाइपिंग आप कर सकते हो, जस्ट आपको अपने क्रॉस हेयर पे फोकस करना है, ठीक है, और आपको उस ड्रिल की प्रैक्टिस करनी है जो मैंने फ्लिक शॉट की सेकंड ड्रिल बताई थी उसकी, तो भाई वो तो आप प्रैक्टिस कर ही लेना, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप स्नाइपिंग करना चाहते हो। तो ये जो क्राउच वाली ड्रिल थी ये मैंने आपको पहले बताई थी एक बार, असॉल्टिंग के लिए, AR के लिए टैप टैप करने के लिए, तो वो चीज़ अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये आप इजीली कर पाओगे। अगर वही प्रैक्टिस नहीं किया तो गाइज पहले पुरानी ड्रिल्स की प्रैक्टिस करो, बिकॉज मैं बेसिक से स्टार्ट की है और बेसिक से थोड़ा एडवांस मैं आपको बता रहा हूँ। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप ऑन दिस वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब मी येट जस्ट क्लिक ऑन रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो फॉर मोर ऑसम वीडियोज। टिल देन बी सेफ, माय नेम इज अर्पित एंड आई एम साइनिंग आउट।